हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसी एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये टॉपिक आपका केमिकल प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग है, जहां पर अपन डिहाइड्रोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ H2, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ H2 इसमें से एल्कोहल में से। क्लियर? अब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल रिगार्डिंग विद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तीनों टाइप के एल्कोहल में क्या होगा? आपका डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्लियर? अब इसकी कंडीशन क्या है, किसकी प्रेजेंस में होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। प्रेजेंस में होता है बेटा ये कॉपर पाउडर प्रेजेंस में होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। जब भी ये कंडीशन आपको मिले, दैट मीन्स डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस, कॉपर पाउडर एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? जो आपको एल्कोहल यहां पर अपन यूज करेंगे, एल्कोहल यूज करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों एल्कोहल्स का यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होगा। ये किस फॉर्म में होंगे? वेपर फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? आपके वेपर फॉर्म में होंगे। तो अपन यहाँ पर अगर बात करें, वेपर एल्कोहल्स हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर? तो यहां पर अपन 1 by 1 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन इस कंडीशन में, कॉपर पाउडर देन टेम्परेचर 573 केल्विन। क्लियर? देखते हैं अपन इसको केस फर्स्ट, केस सेकेंड, देन केस थर्ड की फॉर्म में अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज केस फर्स्ट, इसके लिए प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर? अब प्राइमरी एल्कोहल के केस में क्या है, आपने ले लिया आर सी एच ओ एच, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? आर सी एच टू ओ एच, इसको अपने क्या किया, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर अपन को उसको हीट किया। डिहाइड्रोजनेशन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2। तो देखिए बेटा, एक आपका हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, OH ग्रुप से, और एक हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा कहां से, इस कार्बन से। क्लियर? तो यहां पर देखो, आपको देखो दोनों जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फिट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस H2। क्लियर? क्या बन गया अपने पास में, एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्लियर? तो अपन कह सकते हैं, फ्रॉम द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल वी ऑब्टेन एल्डिहाइड इन द कंडीशन कॉपर एंड टेम्परेचर इज 573 केल्विन। क्लियर है? केस सेकंड लेते हैं अपन यहां पर, केस सेकंड। केस सेकंड किसके रेफरेंस में, सेकेंडरी एल्कोहल के रेफरेंस में। इसके रेफरेंस में लेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, क्या करवाएंगे अपन, डिहाइड्रोजनेशन। देखिए बेटा, आर सी आर ये एच, ये आपका ओ एच, कंडीशन वही है कॉपर, देन 573 केल्विन टेम्परेचर। जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका, दीज आर यूज्ड इन वेपर फॉर्म। इसमें लेते हैं इसको वेपर फॉर्म में लेते हैं। अब देखिए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से,
इनके बिटवीन क्या जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या फॉर्मेशन हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एच टू, दैट इज द कीटोन। क्या फॉर्मेशन हुआ बेटा, कीटोन। क्लियर? तो देखिए इन सेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल वी ऑब्टेन एल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल वी ऑब्टेन कीटोन। क्लियर? बट इन केस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल, इन केस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉट ऑब्टेन। इस टाइप की कंडीशन ऑब्टेन नहीं होती है, एल्डिहाइड या कीटोन टाइप का कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको अपन समझते हैं, केस लेते हैं। देखिए इस सेंस में टर्शियरी एल्कोहल के सेंस में, तो वहां पर एक तरह से एक्सेप्शन केस हो गया आपका, जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए या इसको अपन पढ़ेंगे नोट की फॉर्म। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल, रिएक्शन तो वही है अपने पास में, इसी कंडीशन अपन वही देंगे, रिएक्शन का नाम वही रहेगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल, बट ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट नहीं होती है। देखिए समझिए इसको, आर सी आर सी एस टू एच, यहां पर मैंने सी एस सी ले लिया और ये आपका एच। क्या है आपके पास में, ये थ्री डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन कंडीशन अपन ने डाल दी, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? ये थ्री डिग्री एल्कोहल है, कंडीशन है आपकी कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। इस कंडीशन अकॉर्डिंग अपन क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल। बट इस कंपाउंड को देखते हुए यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ढूंढते हैं। देखो अब तक क्या हो रहा था, इस OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी, और जो दूसरी हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी वो कहां से हो रही थी, इस कार्बन से, OH बॉन्डेड कार्बन से। तो यहां पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, आर सी एच एच ओ एच, ये आपका अल्फा कार्बन है और इससे बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या है, आपकी अल्फा हाइड्रोजन है। बात करें अपन सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या है, ये अपने पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वन डिग्री हो या टू डिग्री हो, दोनों में रिमूविंग के लिए अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ थ्री डिग्री एल्कोहल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देख लीजिए आप इस कार्बन पे, ये आर, ये OH, ये आर और ये कार्बन, इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो इन दिस कंडीशन डिहाइड्रोजिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो क्या होगा यहां पर, इस कंडीशन में यहां होगा डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएगा आपका, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में आप जानते हो क्या फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, बट डिहाइड्रेशन आल्सो टेक प्लेस एंड एल्कीन एज ए प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म। कैसे फॉर्मेशन हुआ, देखिए इसका मतलब यहां पर इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, यहां से अपने पास में अब डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा, OH और H, और इस कंडीशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड अपने पास आ गया और यहां पर क्या हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, एल्कीन का
फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि वाई टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट इन्वॉल्व इन डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो उसका रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा एच इन टर्शियरी अल्कोहल। बात क्लियर है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा एच इन टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन देख लेते हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं, ध्यान से देखिए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर एक आपका क्या है, CH3, CH2, OH और कंडीशन दे रखी है कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, राइट। जैसे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दिखी है कंडीशन ऑफ कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, देन डीहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3CHO+H2। क्लियर। सेकेंड ले रखा है आपको CH3CH3OH और कंडीशन है आपकी कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा एच डिहाइड्रोजनेशन डज नॉट टेक प्लेस, बट डिहाइड्रेशन तो क्या होगा, यहां से पोजिशन ले लो ये हाइड्रोजन और ये OH यहां से रिप्लेस हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा आपका HCCH3CH2+H। कंडीशन वही है बट केस क्या है आपका 3 डिग्री, इस कार्बन में कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्लियर। तो OH और H रिमूव होगा और यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए आप क्या बन गया अपने पास में एल्कीन, क्या बन गया आपका एल्कीन, राइट। इनका एलपीएससी नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप इजी गोइंग दे सकते हो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिगार्डिंग अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।